बिग बॉस के घर के अंदर एक बार फिर से राजा और रानी का तख्त किसके नाम आने वाला है, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि रानी का तो पता नहीं लेकिन राजा अभी फिलहाल डिसाइड हो चुका है। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। सोशल मीडिया पर बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस ही छाया है। भले ही दिवाली है, दिवाली का चर्चा अपनी तरफ है, लेकिन भाई बिग बॉस का चर्चा भी अपनी तरफ है। हर कोई बिग बॉस की प्रोमोज शेयर कर रहा है और ये पहला बिग बॉस का वीकेंड है जो 3 दिन तक एक्सटेंड होगा, सैटरडे संडे एंड मंडे। आज भी आपको बिग बॉस का वीकेंड का वार देखने को मिलेगा और इस वीकेंड का वार को दिवाली स्पेशल बनाया गया है, इसीलिए शायद 3 दिन तक है क्योंकि जनता तो बोर हो गई है वीकेंड का वार से। बट मैं आपको बता दूं कि इस वीकेंड का वार पर एक खास चीज होने वाली है। जी हाँ, घर के अंदर सदस्यों को उनके फैमिली मेंबर्स द्वारा मिले, फैमिली मेंबर्स द्वारा भेजे हुए तोहफे मिलेंगे और इन तोहफों में जहाँ सब काफ़ी अपनी अपनी जगह पर खुश हो जाएंगे, लेकिन उसके अलावा एक जो खास चीज़ है वो ये है कि घर के अंदर किसी एक कंटेस्टेंट को राजा का टैग दे दिया गया है। अब राजा कौन है और बाकी की प्रजा कौन है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ शुरुआत से। मनाई जाएगी अब्दू की पहली दिवाली। नमस्ते अब्दू रोजी, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। दिस इज योर हैप्पी दिवाली फैमिली एसेंट। अरे वाह अब्दू, एकदम राजा लग रहे हैं। सो अब्दुल रोजिक राजा बने और उन्हें उनके घर से उनके साइज की एक प्यारी सी कंफर्टेबल चेयर जो है वो भेजी गई और उस चेयर में वो बैठे और फिर घर के बाकी जितनी भी लड़कियां हैं उन सब ने उस राजा को खुश करने के लिए नृत्य प्रस्तुति करना शुरू कर दिया। जी हाँ, डांस वांस जो है वो शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही अब्दू ने अब्दू बैठे हैं उसके बाद उनके सामने सुंबल से लेकर अर्चना से लेकर प्रियंका से लेकर मान्या से लेकर सब लोगों ने डांस वांस करना शुरू किया और डांस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी गैदर किया। जी हाँ, झलकियां भी डांस की आपको दिखा देते हैं। सो देखा आपने, आई लव यू एवरी वन। अब्दू ने साफ ये कह दिया कि भाई मैं तो आप सबसे प्यार करता हूँ, अब बारी आप सबकी है। आप सबको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है कि आप अब्दू रोजिक के लिए क्या कहना चाहेंगे और क्योंकि अब्दू की ये पहली, देखिए अब्दू इज डेफिनेटली अ स्पेशल कंटेस्टेंट, वो प्यारे तो हैं ही और उसी के साथ साथ बहुत जेन्युइन सोल है। सिर्फ और सिर्फ वो बचपना उनके अंदर नहीं है, चाहते तो वो बच्चा बनकर फायदा उठा सकते थे, एड़ा बनकर पेड़ा खा सकते थे, लेकिन वो बहुत सेंसिबल हैं। जब भी वो साजिद शिव के साथ बैठते हैं उस सेंसिबिलिटी से बातें करते हैं और वो बहुत एविडेंटली क्लियरली दिखता है उनकी एडवाइजेज में, उनके चॉइसेस में। लेकिन फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे, अब्दुल रोजिक है घर के राजा इस बात पर, बताइएगा।